सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में विद्यार्थियों हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्विज के बारे में। विद्यार्थियों अपनी जो पहली पुस्तक है इनऑर्गेनिक वाली उसकी उसका लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजक यौगिक, इसकी क्विज मैंने बनाई है और दो क्विज इसकी आपको मिलेगी। दोनों क्विज में 30-30 प्रश्न आपको मिलेंगे, तो अलग अलग वीडियो दोनों के मैंने बनाए हैं। पहले वीडियो को देखें, पहले अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी है, उसके बाद ही क्विज में भाग लेना है। लगातार विद्यार्थियों मैंने देखा कि विद्यार्थी बिना तैयारी के क्विज में भाग लेते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। और जब मैं इसको देखता हूँ तो बहुत निराशा होती है, किसी के 10% नंबर आ रहे हैं, किसी के 20% नंबर आ रहे हैं। तो लगातार आप इस प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। पहले आप अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़ें, अपने नोट्स पढ़ें, यदि अपनी कोई शंका है तो अपने टीचर से पूछें, और सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप क्विज में भाग लें तो अच्छा स्कोर होगा। और विद्यार्थियों इस बार छोटे प्रश्न ज़्यादा आएंगे, तो छोटे प्रश्नों के ज़्यादा आने की वजह से ही मैंने ये क्विज बनाई है और सभी चैप्टर की क्विज बनाई है। इन ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर की क्विज मैंने बना दी है, अब आगे आपको ऑर्गेनिक चैप्टर्स की क्विज मिलेगी। तो विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो इस क्विज में विद्यार्थियों आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और बोर्ड में छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो ये क्विज इंपॉर्टेंट होगी। सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं और कोई भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कर पाओगे, सभी प्रश्न आपको करने ही होंगे। और एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप पेन और कॉपी साथ लेकर बैठें, क्योंकि कई सवाल आपको हल करने पड़ जाएंगे। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, ना ही किसी चीज़ की हेल्प लेनी है, नकल भी नहीं करनी है आपको। और विद्यार्थियों एक जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो पहले आप इस वीडियो को देखें या अच्छी तरह से तैयारी करें, उसके बाद ही क्विज में भाग लें। क्विज का लिंक भी आपको मिल जाएगा। बहुत से बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ रहे हैं, तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी लिंक मिल जाएगा। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे विद्यार्थियों चैनल का लिंक है, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे चैनल का लिंक मिलेगा आपको, इसको ओपन करने के बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, जिसके द्वारा आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पूरे राजस्थान से अब तक विद्यार्थियों 524 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे विद्यार्थियों इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो पहले वीडियो को देखें, उसके बाद क्विज में आप भाग लें। विद्यार्थियों नीचे आपको नाम डालना है, कई विद्यार्थी अपना नाम भी ठीक नहीं डालते हैं, तो नाम आपको अपना डालना है ताकि मुझे भी पता चले कि किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। यहाँ पे आपको जिला डालना है, उसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पे नेक्स्ट आपको करना है। यहाँ पे विद्यार्थियों आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और क्विज सबमिट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजना है और उनसे आपको पूछना है कि कितने नंबर स्कोर कैसा रहा। तो अच्छी तैयारी करोगे तो विद्यार्थियों आपका स्कोर अच्छा ही रहेगा। तो चलिए क्विज शुरू करते हैं विद्यार्थियों। पहला प्रश्न है द्वितीयक संयोजकता। यहाँ पे मैं सारे प्रश्नों को हल करके आपको बताऊँगा और उनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताऊँगा, तो यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आगे बढ़ें। तो पहला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, द्वितीयक संयोजकता प्राथमिक संयोजकता की अपेक्षा होती है। विद्यार्थियों जब भी किसी उपसहसंयोजक यौगिक को हम जल में डालते हैं तो केवल प्राथमिक संयोजकता ही टूटती है, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होती है वो द्वितीयक संयोजकता होती है और वो टूटती नहीं है। तो प्राथमिक संयोजकता हमेशा दुर्बल होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता क्या होगी, प्रबल। तो द्वितीयक संयोजकता प्राथमिक संयोजकता की अपेक्षा यहाँ पे क्या आएगा, प्रबल। द्वितीयक संयोजकता प्रबल होती है, प्राथमिक दुर्बल होती है, तो प्राथमिक ही टूटती है। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे प्रकाशिक समावयवता या इसका एक और नाम है ध्रुवण समावयवता किस प्रकार के संकुल यौगिकों में पाई जाती है। तो चार ऑप्शन हैं, द्विदंतुक लिगेंड युक्त चतुष्फलकीय संकुलों में, द्विदंतुक लिगेंड युक्त वर्ग समतलीय संकुलों में, द्विदंतुक लिगेंड युक्त अष्टफलकीय संकुलों में। तो विद्यार्थियों जो प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता है, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, ये पाई जाती है केवल अष्टफलकीय संकुलों में, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है विद्यार्थियों 6। यहाँ पे लिगेंड द्विदंतुक होने चाहिए, तो लिगेंड 3 हो जाएंगे, वो 6 उपसहसंयोजक बंध बना देंगे। तो ज्यामिति कैसी होगी इनकी, अष्टफलकीय होगी। लिगेंड होने चाहिए द्विदंतुक, उनमें ही प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है। अगला देखिए, द्वितीयक संयोजकता उपसहसंयोजक संख्या के होती है, बराबर होगी या अधिक होगी या कम होगी। तो द्वितीयक संयोजकता और उपसहसंयोजक संख्या दोनों क्या होती है विद्यार्थियों, बराबर होती है। तो ये के बराबर होती है। विद्यार्थियों यदि आपको वीडियो पसंद आता है, आप स्पेशल थैंक्स देना चाहते हैं और या कुछ कई जगह पर आप वीडियो देख के आते हैं, वीडियो पसंद आपके नहीं आते हैं, यहाँ पे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको कुछ हेल्प मिल रही है,
तो आप सुपर थैंक्स विद्यार्थियों चैनल को दे सकते हैं। यहाँ पे जो राशि आती है वो 40 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की राशि होती है, और इस राशि को विद्यार्थियों मेरे स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं उनके हेल्प के लिए मैं खर्च करता हूँ। जैसे किसी बच्चे के पास रजिस्टर नहीं है, पासबुक नहीं है, तो ऐसी चीज़ें मैं उनको ला के देता रहता हूँ। तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। और कुछ विद्यालय के लिए करने के बजाय या किसी अन्य अपने मंदिरों में दान देने के बजाय आप एजुकेशन के लिए ज़रूर डोनेट करें। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, जैसे आप मेरा वीडियो देखोगे विद्यार्थियों, नीचे इस प्रकार से आप देखिए विद्यार्थियों, नीचे यहाँ पे इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको सुपर थैंक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, ये थैंक्स है, सुपर थैंक्स। जैसे वीडियो मेरा चलाओगे उसमें से थैंक्स, सुपर थैंक का ऑप्शन आते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा विद्यार्थियों। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आप 40 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की राशि डोनेट कर सकते हो। यहाँ से पे एंड बाय, आप बाय एंड सेंड आपको करना होगा। तो 40 रुपये की कोई बड़ी राशि नहीं है, आप चाहो तो सेव कर सकते हैं विद्यार्थियों, उसके लिए भी कोई आपसे ज़बरदस्ती भी नहीं है। चलिए वापस हम चलते हैं हमारे क्विज में, अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर अम्ल की भांति व्यवहार करता है, कौन करता है या कौन करते हैं? लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु, आयन मंडल या समन्वय सत्ता? तो विद्यार्थियों जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है और लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है वो लुईस अम्ल होता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास में रिक्त द्वि कक्षक होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। आगे देखिए, उपसहसंयोजक या संकुल यौगिकों का वह भाग जो बड़े कोष्टक के अंदर रखा जाता है, बड़े कोष्टक वाला भाग जो होता है विद्यार्थियों उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, तो सही ऑप्शन है इसमें समन्वय सत्ता। आगे देखिए, समन्वय या उपसहसंयोजक सत्ता हो सकती है उदासीन, धनावेशित, ऋणावेशित या सभी। तो विद्यार्थियों समन्वय सत्ता या उपसहसंयोजक सत्ता जो होती है वो धनावेशित भी हो सकती है, ऋणावेशित भी हो सकती है और उदासीन भी हो सकती है। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे विद्यार्थियों सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। यदि आप प्रश्न छोड़ोगे तो वापस उसके बिना वो सबमिट नहीं होगा। अब मैंने वापस आपको बता दिया, लेकिन ये टिक मार्क करना ही पड़ेगा, तब जाके आप इसको सबमिट कर पाओगे। आगे देखिए विद्यार्थियों, निम्न उपसहसंयोजक यौगिक में आयनिक मंडल कौन सा है? तो विद्यार्थियों यहाँ पे इसको मत मानिए आप, ये बड़ा ब्रैकेट है, इस बड़े ब्रैकेट के बाहर जो हिस्सा होता है वो आयन मंडल होता है। तो यहाँ पे K3 है इसमें, तो ये आयन मंडल है इसका, तो सही ऑप्शन इसमें यहाँ पे ये वाला। ऑप्शन का क्रम भी आपको चेंज मिलेगा और क्वेश्चन भी आपको चेंज मिलेंगे, तो आप नकल करने की कोशिश भी ना करें। लिगेंड में उपस्थित धातु परमाणु की संख्या जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं को उसकी क्या कहेंगे? जो लिगेंड में धातु परमाणु होते हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? तो वो कहते हैं हम दंतुकता। कई लिगेंडों की दंतुकता 2 होती है, मतलब उसमें 2 धातु परमाणु हैं। EDTA जो होता है उसकी दंतुकता विद्यार्थियों 6 होती है, मतलब उसमें 6 धातु परमाणु होते हैं। निम्न में से द्विदंतुक लिगेंड है, तो यहाँ पे देखिए इनको पढ़िए, तो द्विदंतुक लिगेंड इसमें होता है ऑक्सीलेटो, एक और होता है विद्यार्थियों EN, एथिलीन डाइएमिन बोलते हैं या एथेन 1,2 डाइएमिन बोलते हैं, वो भी द्विदंतुक है, और एक ऑक्सीलेटो है, इसको ऑक्से लिखते हैं, ये भी द्विदंतुक लिगेंड है। विद्यार्थियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। केमिस्ट्री और अन्य साइंस के सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट के वीडियो भी मैंने बनाए हैं, दो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला देखिए, उपसहसंयोजक संख्या होती है क्या होती है विद्यार्थियों? सभी ऑप्शन को आप पढ़िए आराम से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है विद्यार्थियों, लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या है। लिगेंड में धातु परमाणु की संख्या अपने को नहीं देखनी है, अपने को यह देखना कि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजक संख्या। तो यहाँ पे यह ऑप्शन इसका सही है। EDTA की दंतुकता होती है कितनी होती है विद्यार्थियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार परीक्षा में आ भी चुका है। तो इसकी दंतुकता होती है विद्यार्थियों 6। निम्न में उभयदंतुक लिगेंड नहीं है, उभयदंतुक लिगेंड वे होते हैं विद्यार्थियों जिनमें एक से अधिक धातु परमाणु होते हैं परंतु एक बार में एक ही धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये उभयदंतुक लिगेंड नहीं है, इसमें केवल एक ही धातु परमाणु है।
एंड बाकी इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में बंध बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पे एमिन है, NH3। अब विद्यार्थी ध्यान से इसको पढ़िए, नीचे दिया गया यौगिक AgNO3 के आधिक्य के साथ क्रिया करके 2 मोल AgCl बनाता है। अब विद्यार्थी यहाँ पे NO3 है, उसको हटा के यहाँ पे आ गया Cl, तो Cl इसमें कितने हैं, 2, इसमें भी कितने मोल बने, 2 मोल, मतलब दोनों Cl टूट गए, दोनों Cl आयनिक मंडल में थे, उपसैसिक सत्ता से बाहर थे, तभी तो वो निकलेंगे, तो Cl2 यहाँ पर था। तो निम्न यौगिक में प्राथमिक संयोजकता कितनी होती है, विद्यार्थी जो जितने आयन बनते हैं वो सब प्राथमिक संयोजकता होती है, तो यहाँ पे 2 Cl निकले हैं बाहर, मतलब इसमें प्राथमिक संयोजकता कितनी है, 2, ये 4 होगी विद्यार्थियों द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता कभी भी जल में टूटती नहीं है, जबकि प्राथमिक संयोजकता टूटती है, तो यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी इसकी, 2, तो ये इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे देखिए आप 2। नीचे दिए गए यौगिक में किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है, अब विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे EN की की दंतुकता होती है 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे कोबाल्ट का 6, क्योंकि एक ईएन 2 बंध बनाता है तो 3 बना लेंगे 6। जिन संकुलों में केंद्र धातु परमाणु की उपसैसिक संख्या 6 होती है उनकी आकृति होती है विद्यार्थियों ज्यामितीय आकृति होती है अष्टफलकीय, तो अष्टफलकीय इसकी ज्यामिति होगी, और ईएन क्या है, ईएन द्विदंतुक लिगेंड है, मैंने पहले भी कहा था, तो द्विदंतुक लिगेंड युक्त अष्टफलकीय संकुलों में कौन सी समावयवता पाई जाती है विद्यार्थियों, ध्रुवण समावयवता पाई जाती है, ये पहले भी प्रश्न आया था, या इसको अपन कहते हैं प्रकाशिक समावयवता, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है। यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु बताना है कि कौन सा है, यहाँ पे K4Fe CN6 ये है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, तो विद्यार्थियों केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर है Fe, जिसके चारों ओर लिगेंड उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये इसका सही आंसर है। एक और उसी प्रकार का प्रश्न है विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, नीचे दिया गया यौगिक AgNO3 के आधिक्य के साथ क्रिया करके केवल 1 मोल AgCl बनाता है, तो प्राथमिक संयोजकता कितनी हो गई, 1, क्योंकि 1 मोल बनाता है तो 1 हो गई, बाकी यहाँ पे देखो 3 तो ये है, 4 ये है, 7 हो गए, 7 में से केवल 1 प्राथमिक है, 6 क्या होगी, द्वितीयक संयोजकता, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है 6। निम्न यौगिक में NI का ऑक्सीकरण अंक है, विद्यार्थियों जो कार्बनिल होता है इसके ऊपर आवेश शून्य होता है, तो इसकी भी आवेश यहाँ पे शून्य ही होगा, ऑक्सीजन अंक भी इसका शून्य होगा, तो ये शून्य इसमें है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार के यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती है, तो विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे ये है X2 है, AB2 है, सिस और ट्रांस समावयव बनेंगे, इसके भी बनते हैं, नीचे चलते हैं, यहाँ पे इसकी इसमें ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती है, इसमें भी पाई जाएगी, इसमें नहीं पाई जाएगी, क्योंकि कम से कम 2 लिगेंड अलग होने चाहिए, तो इसमें नहीं है, तो इसमें ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाएगी। निम्न में से द्विदंतुक लिगेंड है कौन सा है, एथेन 1,2-diamine, ये द्विदंतुक लिगेंड है, इसकी दंतुकता 6 है, सल्फेट की एक ही है और मेथिलेमिन की भी एक ही है। सर्वाधिक स्थायी होगा, निम्न में से सर्वाधिक स्थायी कौन सा होगा, यहाँ पे ABCD 4 कंपाउंड आपको दे रखे हैं, तो विद्यार्थियों यदि इस प्रकार के कंपाउंड दे रखे हैं तो आपको देखना है कि कोई ऐसा लिगेंड तो नहीं है जो जिसकी दंतुकता ज़्यादा हो, ज़्यादा उपसंयोजक बंध बनाता हो, तो यहाँ पे देखिए एक्वा की एक ही है, एमिन की भी एक ही है, यहाँ पे ऑक्सीलेटों की दंतुकता 2 होती है, और जिन की दंतुकता 1 से अधिक होती है वे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में वलय बनाते हैं, जिसको हम किलेट लिगेंड कहते हैं या किलेटिंग कहते हैं, इसकी दंतुकता भी एक ही है, तो किलेट लिगेंड जो होते हैं वो संकुल को अधिक स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो यहाँ पे सी वाला ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि इसमें दंतुकता अधिक है और वो किलेट के रूप में वलय बनाएगा तो ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। निम्न यौगिक में किस प्रकार के समावयवता के उदाहरण है, किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है, देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर Br2 है, तो Br2 इसमें आयन बनेगा जल में घुलने पर, इसमें बनेगा Cl2, तो अलग अलग आयन जल में घुलने पर बन रहे हैं, तो कौन सी समावयवता होगी, आयनन। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो ब्रैकेट के बाहर होता है विद्यार्थियों वही आयन बनते हैं, एक आयन तो पूरा बनेगा ये बड़े कोष्ठक वाला, और जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं वो आयन बनते हैं, तो अलग अलग प्रकार के आयन इसमें से बढ़ रहे हैं। उभयदंतुक लिगेंडों की दंतुकता कितनी होती है, विद्यार्थियों उभयदंतुक लिगेंडों में दाता परमाणु 1 से अधिक होते हैं, परंतु एक समय में केवल एक ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उपसंयोजक बंध बनाता है, तो दंतुकता तो इनकी हमेशा कितनी होगी, 1।
देखिए विद्यार्थियों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संकुल है, इसको जल में घोलने पर कितने आयन बनेंगे? तो विद्यार्थियों, जो बड़ा ब्रैकेट है ये पूरा एक ही आयन बनता है, तो एक तो ये हो गया, और तीन बनेंगे कौन से? के प्लस आयन, के थ्री तो होता ही नहीं है, तो थ्री के प्लस आयन बनेंगे, तो तीन तो ये और एक ये, चार आयन इसमें से विद्यार्थियों बनेंगे। तो इस प्रकार की और भी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। यदि आपको कोई भी इसमें समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर है मेरे वहाँ पे, तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं विद्यार्थियों। किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें आप क्लियर करते हुए चलें। निम्न में से कौन सा यौगिक हेट्रोलेप्टिक संकुल है? हेट्रोलेप्टिक जो संकुल होते हैं विद्यार्थियों, उनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होते हैं, तो इसमें तो केवल एक ही प्रकार के हैं। इसमें देखिए, इसमें दो प्रकार के क्या, तीन प्रकार के लिगेंड है, एमीन है, एक्वा है और क्लोरिडो है, तीन प्रकार के लिगेंड इसमें हैं, तो ये हेट्रोलेप्टिक संकुल इसमें है और सभी में एक प्रकार के ही है। अगला देखिए, निम्न यौगिक में क्रोमियम की उपसंयोजक संख्या कितनी होगी? विद्यार्थियों देखिए, लिगेंड कौन सा है इसमें? विद्यार्थियों इसमें लिगेंड है ई एन, जिसकी दंतुकता कितनी होती है? दो। तो तीन ई एन यहाँ पर बनाएंगे, छः उपसंयोजक बंध, तो इसकी उपसंयोजक संख्या होगी विद्यार्थियों छः। अगला देखिए, निम्न यौगिक में किस प्रकार की समावयवता पाई जाएगी या उपस्थित है? तो लिगेंड यहाँ पर देखिए, इसमें एस सी एन है, इसमें एन एस सी है, और ये लिगेंड है विद्यार्थियों उभयदंतुक लिगेंड, और दाता परमाणु अलग अलग जुड़ रहे हैं, तो ऐसी समावयवता को हम कहते हैं बंधनी समावयवता, अलग अलग दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में बंध बना रहा है। निम्न में से बहुकेंद्रीय संकुल कौन से हैं? विद्यार्थियों जिनमें धनायनिक और ऋणायनिक दोनों जो पार्ट होते हैं संकुल यौगिक के, दोनों ही क्या हो, समन्वय सत्ता हो, दोनों ही संकुल हो, यानी केंद्रीय धातु परमाणु कितने होंगे उसमें? दो होंगे, तो यहाँ पे ये है बहुकेंद्रीय संकुल, इसमें देखिए एक ही है, इसमें भी एक ही है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है पहला वाला। निम्न संकुल में एजी की ऑक्सीजन संख्या है? तो विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए, जो बहुकेंद्रीय संकुल होते हैं उनमें पूरा आवेश हम देखते हैं, और दोनों या अधिक जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं उनमें बराबर भागों में बांटते हैं, तो इसके ऊपर आवेश जीरो होता है, सी एन के ऊपर माइनस एक होता है, सी एन कितने हैं? दो, तो माइनस का चार्ज कितना हो गया? दो। ए जी कितने हैं अपने पास? दो, तो माइनस का दो जो चार्ज है दोनों में बराबर पड़ जाएगा, तो इसका भी प्लस एक हो जाएगा और इसका भी प्लस एक हो जाएगा, तो प्लस एक दोनों का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे होगा। अब देखें विद्यार्थियों, निम्न में से अनुचुंबकीय कौन सा होगा? अनुचुंबकीय कौन सा होगा, या निम्न में से कौन सा ऐसा है जो रंगीन होगा? कलर्ड और जो अनुचुंबकीय है दोनों के लिए युग्मित इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों वीबीटी जो थ्योरी है उसका हम यूज करते हैं, तो पहले इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को लिखना आना चाहिए, तब जाके हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पे जो प्रबल लिगेंड है इसके बारे में अपने को याद रखना है कि ये केंद्रीय धातु परमाणु जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसका युग्मन करवाता है, जबकि दुर्बल लिगेंड युग्मन नहीं करवाता है, तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की संभावना अधिक होती है। परंतु फिर भी एक दो कंडीशन ऐसी होती है विद्यार्थियों जहाँ पे युग्मन नहीं होता, चाहे लिगेंड प्रबल ही क्यों ना हो, तो वो कंडीशन होती है विद्यार्थियों यहाँ पे सीआर, विद्यार्थियों यहाँ पे प्लस थ्री स्टेट में है, सीआर के परमाणु संख्या कितनी होती है? 24। तो डी में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं विद्यार्थियों, इसमें हम इसको क्लियर करते हैं, एस में होते हैं दो, डी में पाँच हो जाते हैं विद्यार्थियों, इसमें ये इलेक्ट्रॉन विन्यास का अपवाद है, एस में होता है इसमें एक, प्लस थ्री स्टेट में है तो तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कितने बचेंगे विद्यार्थियों? तीन। डी में कितने बचे? तीन, डी में पांच कक्षक होते हैं, इलेक्ट्रॉन तीन ही है, तो इस प्रकार से विन्यास होगा। अब विद्यार्थियों यहाँ पे चाहे लिगेंड प्रबल है लेकिन यहाँ पे युग्मन नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही दो कक्षक खाली है, यदि ये कक्षक खाली नहीं होते तो फिर यहाँ पे युग्मन होता, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो अतः इसकी प्रकृति कैसी होगी विद्यार्थियों? अनुचुंबकीय। निम्न में से कौन सा आयन उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता? कौन सा आयन ऐसा जो उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाएगा? तो वह है विद्यार्थियों Na+, बाकी सभी उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं। तो इसके बाद विद्यार्थियों को करना है आपको सबमिट, सबमिट करने के बाद विद्यार्थियों यहाँ पे अपने वी स्कोर पर क्लिक करके अपना स्कोर देख सकते हैं, और जितना भी आपका स्कोर है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 30 में से आपके कितने सही है। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इस कोर्डनेस कंपाउंड की सेकंड क्यूज लेकर, तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही।